इस वक्त की बड़ी खबर ताइवान से। ताइवान के समुद्री तट पर चीन की वॉर ड्रिल जारी है। कई दिनों से समंदर में चीन वॉर ड्रिल कर रहा है। समंदर में मिसाइल के साथ चीनी सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। नैंसी पेलोसी की यात्रा से भड़का हुआ है चीन। नैंसी पेलोसी ताइवान जब से गई हैं, तब से चीन लगातार इस वक्त भड़का हुआ है और ताइवान के आसपास समंदर में लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान को धमकाने के लिए चीन हर हथकंडा अपना रहा है। कई बार उसने मीडियन लाइन का वायलेशन किया है, जो ताइवान की सोवरेनिटी मानी जाती है, ताइवान का जो की जमीन मानी जाती है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसको लेकर लगातार इनफैक्ट जापान के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चीन की मिसाइलें गिरी हैं, जिसको लेकर जापान ने भी अपना विरोध जताया है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है ताइवान के आसपास। नैंसी पेलोसी पर कई तरह के बैन तक लगा दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि चीन समंदर में किस किस हथियार के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है। लगातार पूरा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। अब आप ये देखिए वॉर ड्रिल किस तरह से हो रही है, चीन की घेरेबंदी किस तरह से, चीन की वॉर ड्रिल ताइवान की घेराबंदी हो रही है। 100 फाइटर जेट, एक नहीं दो नहीं 100 फाइटर जेट, जिनमें J-20 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ये सब चीन इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ लगातार वहां पर एक्सरसाइज हो रही है। परमाणु मिसाइल DF-17 तक चीन ने यहां पर रखी है। Chengdu-20 या J-20 फाइटर जेट जिसको कहते हैं, जिसको चीन दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में इसे एक कहता है, वो यहां पर है। Sukhoi-35 एयरक्राफ्ट उसने यहां पर लगाए हुए हैं। शेंडोंग विमान वाहक युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसके अलावा लियोनिंग विमान वाहक युद्धपोत भी उसने यहां तैनात किया हुआ है। शेनयांग J-16 फाइटर जेट भी उसने यहां पर लगाया हुआ है, और इसके अलावा शेनयांग J-11 फाइटर जेट भी चीन ने यहां पर लगाया हुआ है। सवाल यह है कि चीन का मकसद क्या है? क्या चीन जो कह रहा है वो करेगा? क्या ताइवान पर चीन अटैक करेगा? ये वॉर एक्सरसाइज क्या उसी तरह से होगी जैसे रूस ने किया था और यूक्रेन पर अटैक किया था? अमेरिका, जिस तरह से नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन भड़का है, क्या अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए यहां पर कुछ बड़ा करेगा? आइए चीन ताइवान को लेकर अभी की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है चीन, ये कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा एक्सपर्ट। तो अमेरिका से ये खबर आ रही है कि ताइवान पर चीन बड़ा हमला कर सकता है, युद्ध होने पर बड़ी तबाही मच सकती है, ये कहा है अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने। कोरियन वॉर के बाद सबसे बड़ी तबाही मच सकती है, 10 लाख सैनिकों के साथ हमला कर सकता है चीन। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार और रक्षा एक्सपर्ट डेविड ओचमनेक ने यह दावा किया है। तो क्या चीन और ताइवान में विनाशकारी युद्ध तय है और क्या कोई भी इसको टाल नहीं सकता? डेविड ओचमनेक, पूर्व सलाहकार व्हाइट हाउस, क्या कह रहे हैं सोचिए। नैन्सी पेलोसी का मुद्दा बनाकर ताइवान पर हो सकता है हमला, यह कहा है इस शख्स ने जो कि व्हाइट हाउस का पूर्व सलाहकार है। नैन्सी पेलोसी का मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले से भी बड़ा हमला कर सकता है चीन, ये कहा ओचमनेक ने। और 10 लाख सैनिक युद्धपोतों और हाईटेक ड्रोन के साथ अटैक करेगा चीन, ये इन्होंने दावा किया है। साल 1951 के कोरियन युद्ध से भी बड़ी तबाही मच सकती है, ये कह रहे हैं। कोरियन युद्ध में करीब 30 लाख लोग मारे गए थे, 30 लाख लोगों की मौत कोरियन युद्ध में हुई थी, और इस युद्ध में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बम बरसाए थे। चीन ताइवान पर बड़ी संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, यह भी दावा किया है। और अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी ठिकानों को भी चीन नहीं छोड़ेगा, उन पर भी हमला मुमकिन है। घातक ड्रोन इस युद्ध में सबसे अहम हथियार साबित हो सकते हैं, यह कहा है डेविड ओचमनेक ने, जिसके बाद आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ताइवान पर चीन कभी भी अटैक कर सकता है। और चीन के टारगेट पर ताइवान का सबसे बड़ा आइलैंड है, ताइवान खुद अपने आप में आइलैंड है, और उसके बाद जो उसके पास छोटे मोटे आइलैंड है उनमें सबसे बड़ा आइलैंड चीन की वॉर ड्रिल के निशाने पर है। ताइवान का यह बयान आया है, आइलैंड पर हमले की ड्रिल कर रही है PLA, वॉरशिप और फाइटर प्लेन से आइलैंड पर हमले की ड्रिल इस वक्त चीन की PLA कर रही है। तो लगातार चीन की सेना, या कहें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना लगातार ताइवान के आसपास, ताइवान के आइलैंड के आसपास वॉर ड्रिल कर रही है, अपने फाइटर जेट्स के साथ, अपने बोट्स के साथ, सबमरीन्स के साथ, परमाणु मिसाइलों के साथ, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ,
और पूरा माहौल ऐसा बना हुआ है कि किसी भी वक्त ताइवान पर चीन बहुत भीषण अटैक कर देगा। और व्हाइट हाउस के पूर्व रक्षा सलाहकार ने तो यहां तक दावा किया है कि कोरियन वॉर से बड़ी वॉर हो सकती है, 10 लाख सैनिक होंगे चीन के जो एक साथ ताइवान पर धावा बोलेंगे। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।